आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री पी चिदम्बरम जी, श्री सुशील कुमार शिंदे जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, श्री रहमान खान जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री अरुण जेटली जी, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की 16वीं बैठक में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। वैसे तो इस काउंसिल की हर बैठक महत्वपूर्ण होती है, लेकिन चूंकि आज की बैठक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और उसके पड़ोसी ज़िलों में हुए सांप्रदायिक दंगों के फौरन बाद हो रही है, इसलिए इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। ये घटनाएं ऐसी सांप्रदायिक नफरत को जाहिर करती हैं जो हमारे देश के कौमी किरदार के ख़िलाफ़ है और जिसकी हम सबको गहरी चिंता होनी चाहिए। एक छोटे से मामले पर एक मामूली से हादसे का नतीजा ये हुआ कि 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए और कई लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। हाल के दिनों में सांप्रदायिक हिंसा की कुछ और घटनाएं भी हुई हैं। इस साल अगस्त में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में सांप्रदायिक दंगे हुए। बिहार के नवादा ज़िले में पिछले साल के अक्टूबर महीने से छोटे मुद्दों को लेकर 3 सांप्रदायिक घटनाएं हो चुकी हैं। इसी तरह हैदराबाद में पिछले 2 सालों के दौरान रुक रुक कर सांप्रदायिक तनाव होता रहा। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में हाल के महीनों में इस तरह की घटनाएं बड़ी तादाद में देखी गई हैं। पिछले साल के दौरान पूर्व उत्तर में भी विभिन्न नस्ली गुटों एवं संप्रदायों के बीच फिर से तनाव पैदा हुआ है। इस तरह के तनावों को कम करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई। असम में पिछले साल भड़की हिंसा के शिकार हुए लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए भी बहुत प्रयास किए गए, लेकिन अभी भी दूसरी जगहों पर विभिन्न नस्ली गुटों के बीच हिंसा की वारदातें हो रही हैं। इस तरह के नए हालात में हम सबको विभिन्न सामाजिक गुटों के मिले जुले और सहनशील सामाजिक ढांचे को बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें विभिन्न संप्रदायों के बीच छोटे छोटे मतभेदों को बढ़ाकर उनका फ़ायदा उठाने में कभी कभी कामयाब हो जाती हैं। ये ताकतें हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। उनका सख्ती से मुकाबला करने का हमारी सरकार का पक्का इरादा है। सांप्रदायिक घटनाओं का बिना वक्त खोए और निष्पक्ष और सख्त तरीके से मुकाबला करना राज्यों की जिम्मेदारी है। ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि स्थानीय प्रशासन न सिर्फ तेज़ी से छोटी घटनाओं को बड़ा रूप लेने से रोके, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलवाए। दंगा करने और भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की पूरी ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली हों या किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हों। सरकार की कार्रवाई कानून के मुताबिक होती नज़र आनी चाहिए, ताकि सभी धर्मों के नागरिकों में ये भरोसा पैदा हो सके कि वो अन्य नागरिकों के बराबर हैं और इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। जहाँ तक सरकारी अधिकारियों का सवाल है, उन्हें ये सख्त हदायत होनी चाहिए कि सांप्रदायिक तनाव के मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त
नहीं की जाएगी और दंगे होने की सूरत में उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। ये बहस कि सांप्रदायिक हिंसा से चुनाव में किस राजनीतिक दल को फायदा होगा और किसको नुकसान, सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल सांप्रदायिक दुश्मनी से किसी को भी फायदा नहीं पहुंचता। इससे तो एक सिविलाइज्ड देश के रूप में हमारे वजूद तक को खतरा पैदा हो सकता है। मैं सभी राजनीतिक दलों और मीडिया से आज ये अपील करना चाहूँगा कि वो न तो सांप्रदायिक वाक्यात को राजनीतिक रंग दें और ना ही उनसे राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आज की बैठक में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के अच्छे सुझाव सामने आएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमज़ोर तबकों के हमारे भाई बहनों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार भी कोई कम चिंता की बात नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है कि आज़ादी के 60 साल के बाद भी इन तबकों के खिलाफ हो रहे अपराध हमें परेशान कर रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही इस तरह की घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 3 सालों के दौरान हर साल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध अत्याचार के लिए 10,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। इस तरह की हिंसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इन तबकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की लगातार कोशिश की जाए। हमारा आर्थिक विकास तभी पूरा और संतोषजनक कहा जा सकता है जब इससे आम आदमी और कमज़ोर वर्गों को फ़ायदा पहुंचे। कमज़ोर और गरीब वर्गों को बराबर के मौके ना मिल पाना देश की तरक्की में एक बहुत बड़ी बाधा है। हम किसी भी तबके को ये महसूस नहीं होने दे सकते कि वो मुख्य समाज से अलग थलग है। हमने कमज़ोर तबकों के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे उनको देश के विकास का ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। अभी हाल ही में संसद में मैनुअल स्कैवेंजिंग रिहैबिलिटेशन बिल पास हुआ है जिससे इस अमानवीय प्रथा को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अभी भी हमारे लिए बड़ी चुनौती बनी है। मैं समझता हूं कि हमें अपने समाज में असमानता कम करने और अभाव दूर करने के लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इस दिशा में आप सब के सुझावों का स्वागत करूंगा। हमारे लिए ये शर्म की बात है कि हमारी महिलाओं के साथ बदसलूकी, बलात्कार और अन्य तरह की हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। आज हम ऐसी जुड़ी हुई कोई भी देश सही मानों में तभी प्रगति कर सकता है जब उसकी महिलाएं बेझिझक सार्वजनिक स्थानों पर जा सकें और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के रास्ते को चुन सकें। हमने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए सजा को और सख्त बनाने के लिए कानून में बदलाव किए हैं। अब कानून लागू करने वाली एजेंसियां ऐसे मामलों में ज़्यादातर प्रभावी कार्रवाई कर सकती हैं, लेकिन ये समस्या सिर्फ पुलिस कार्रवाई से दूर नहीं की जा सकती। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारी सोच में बदलाव आए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बैठक में हमारी महिलाओं के प्रति समाज के रवैये में बदलाव लाने के लिए अच्छे सुझाव सामने आएंगे। आज हम ऐसी जुड़ी हुई दुनिया में रह रहे हैं जिसमें बहुत से मामलों में राष्ट्रीय सीमाओं का
बहुत महत्व नहीं रह गया। मैं यहाँ सोशल मीडिया का जिक्र करना चाहूँगा। हाल की सांप्रदायिक हिंसा के कुछ मामलों के पीछे कुछ ऐसे नकली वीडियोस का सर्कुलेशन सामने आया है जिनसे लोगों में दूसरे संप्रदाय के लिए नफरत पैदा हो। इससे पहले साल 2012 में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके हमारे उत्तर पूर्व के उन भाई बहनों के मन में दहशत पैदा की गई जो देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे थे। इसकी वजह से बहुत से लोगों को अपने रोजगार छोड़कर कुछ समय के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र में वापस जाना पड़ा। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को नई जानकारी मिलती है और उन्हें नई सोच का पता चलता है। इसका इस्तेमाल समाज में आपसी रवादारी और भाईचारा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया अपनी राय और नज़रिया आज़ादी से ज़ाहिर करने का जो मौका देता है उसे कायम रखने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम शरारती और समस्या पैदा करने वाले लोगों को सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करने दें। मुझे उम्मीद है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले पर आज इस बैठक में भी ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में इंडस्ट्री, गैर सरकारी संगठन और सिविल सोसाइटी सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एक ऐसा फोरम है जो समाज में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आम राय बनाने में मदद कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने में मदद मिलेगी जिनका संबंध हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने से है। जय हिंद।